हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आपको कुछ मोनेस्ट्री के व्यूज दिखाऊंगा और आनंद साहिब गुरुद्वारा भी दिखाऊंगा। तो चलो मोनेस्ट्री की वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। एक वीडियो लंबी बन जानी थी, इसके लिए हमने पार्ट पार्ट किए। पहले पार्ट में मोनेस्ट्री, दूसरे पार्ट में गुरुद्वारा और तीसरे पार्ट में गोपाल पुरसू। आप बोर हो जाओगे लंबी वीडियो से, तो हमने सोचा कि हम छोटी छोटी वीडियो बनाएं। इस बार मेरी वीडियो बहुत सुंदर बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी वीडियो में क्या कमी है। अब मैं आपको करवाऊंगा दर्शन गुरुद्वारा के। तो चलो मेरे लाइन ना वेस्ट कर चलो गुरुद्वारा। चलो ये है व्हाइट कलर का गुरुद्वारा। मैम इसको अभी ये बना नहीं है, ये अभी तक चल रहा है इसका काम। यहाँ कुछ लोग खाना पका रहे हैं लंगर के लिए। जब ये गुरुद्वारा खुलेगा तब हमें खाने के लिए मिलेगा। कंपटीशन है कार वर्सेस इंसान। चलो स्टार्ट रेस। चुगो बोल को अब स्टडी स्टडी को। जाओ अब देखते हैं इंसान जीतता है या गाड़ी जीतती है। अब हम पहुंच चुके हैं गुरु की आनंद गुफा में। यहाँ अंदर जाने का रास्ता है, कुछ लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। वो वहाँ बहुत अंधेरी गुफा है जहाँ से गुरु तपस्या करके गए थे। माँ मुझे बोल रही थी कि वहाँ शेर है, मुझे बार बार डराए जा रहे थे। और ये है बाबा जी की अंधेरी गुफा। यहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ मम्मा यहाँ अंदर से पूजा करके गई। और यहाँ है शेर और यहाँ कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं। यहाँ मम्मा ने शेर बोले थे वो असल में एक वो बोर्ड बनाए थे, ये शेर जो बाबा जी के थे। मैं मम्मा को बोल रहा था कि मम्मा जल्दी बाहर जाओ, पर मम्मा बोल रही थी कि बैठे रहो, यहाँ शांति मिल रही है। और यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। फिर मम्मा ने मुझे बताया पंजाबी में लिखा है, जो मम्मा को भी पढ़ना नहीं आता। अब मैं आपको बताऊंगा गुरुद्वारा के बारे में। मैंने अपनी ईवीएस की बुक में पढ़ा था, सम पीपल प्रे इन अ गुरुद्वारा, दे प्रे टू देयर गुरुस, देयर होली बुक इज गुरु ग्रंथ साहिब। हम यहाँ कुछ ईंटे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम घर बना सके। मेरी मम्मा ने बोला था कि यहाँ हमें घर बनाना होता है। जब गुरुद्वारा बनता है तो हमें उनकी हर रोज दर्शन करने होते हैं और हमारा घर उनके घर के साथ ही रहता है। तो कुछ लोग आए थे जो अपना घर बनाकर चले गए थे। हम अपना घर बना रहे थे पर वो पहले बार गिर गया, पर दूसरी बार हम बनाने लगे। मैं कोई ईंटें इकट्ठा कर ला रहा था
मम्मा मेरी हेल्प कर रही थी और फाइनली मेरी और मम्मा की मेहनत से हमारा घर बन गया। तो वहाँ मैंने बहुत मस्ती की। तो हम गाड़ी में बैठ के जाने वाले थे गोपालपुर जू। आप जाने का नज़ारा देखते रहिए, आगे की वीडियो बहुत मस्त होगी। तो गाड़ी अभी पापा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ पापा के लिए, क्योंकि पापा मेरे से बहुत दूर थे। जब पापा मेरे पास आए तो मैं गाड़ी में बैठ गया और हम सीधे निकल पड़े गोपालपुर जू की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं गोपालपुर की तरफ। अब देखो बहुत सुंदर नजारा। मैं आपको शेर दिखाऊंगा, बच्चे दिखाऊंगा, गेंडा दिखाऊंगा और बंदर दिखाऊंगा, हाथी भी दिखाऊंगा, हिप्पोपोटामस भी दिखा डालूंगा और जिराफ दिखाऊंगा क्रोकोडाइल। आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का जरूर इंतजार करें। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें।